हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल टेकी जर्नल। तो आज के वीडियो में हम देखेंगे कि हम गूगल फॉर्म के फिलिंग को ऑटोमेट कैसे कर सकते हैं। मतलब कि हमारे पास एक्सेल में डेटा है, लोगों का डेटा है, हम चाहते हैं कि हम उस वो जो डेटा है उस डेटा से गूगल फॉर्म में हमारा फॉर्म फिल हो। हम वो मैनुअली नहीं करना चाहते, हम चाहते हैं वो कि ऑटोमेटिक फिल हो जाए। हम इस टास्क को ऑटोमेट करना चाहते हैं यूआई पाथ के थ्रू। तो ये करने के स्टेप्स बहुत सिंपल है, आप अच्छे से मेरे वीडियो को फॉलो करें, कहीं स्किप ना करें वरना आपसे गलती हो सकती है। अच्छे से मेरे वीडियो को फॉलो करें और चलिए चलते हैं, हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो हमें डेटा बना लेना है, या आपके पास जो डेटा है उसे ओपन करके रखें। जैसे मैंने डेटा बना चुका है, ये मेरा हेडिंग्स है, एम्प्लॉई नेम, वोटर आईडी एंड एज, एंड दिस इज द एम्प्लॉय आईडी, दिस इज द नेम्स, एंड ये हमारा वोटर आईडी है, आईडी नंबर्स एंड एज। हम चाहते हैं कि ये चार चीजें हम गूगल फॉर्म में फिल करके हम एक जगह रिस्पॉन्सेस रखें। तो पहले तो हमने ये डेटा रेडी कर लिया, और आपके पास जो डेटा आप उस पर काम करना चाहते हैं वो रेडी रखें। अभी से हम बंद कर लेते हैं। तो अब हम चलते हैं गूगल फॉर्म पे। ये गूगल फॉर्म हमने पहले से बना के रखा है, देख सकते हैं आप कॉलम के नाम के हिसाब से ही, एम्प्लॉई आईडी, नेम, वोटर आईडी एंड एज हमने बना के रखा है। तो इसी पे हमारा जब हम ऑटोमेट करेंगे तो ये फॉर्म फिल होगा, और आप अभी देख सकते हैं यहाँ जीरो रिस्पॉन्सेज है। फिल होने के बाद रिस्पॉन्सेज आएंगे, मैं वो भी आपको दिखाऊंगा। इसे अभी बंद करते हैं और सबसे पहले हम इसका लिंक कॉपी कर लेते हैं। इसे हम शॉर्टन कर लेते हैं और कॉपी कर लेते हैं। अब हम इसे बंद करके मिनिमाइज करते हैं। चलिए अब हम चलते हैं यूआई पाथ पे। ये मैंने पहले से ओपन करके रखा है ताकि हमारा टाइम बचे। अब हम प्रोसेस पे जाते हैं और यहाँ पे हम नेम दे देते हैं, ऑटोमेशन ऑफ जी फॉर्म फिलिंग। एंड अब हम अपना लोकेशन सेलेक्ट कर लेते हैं, डिस्क्रिप्शन आपको डालना है डाले, नहीं डालना है नहीं डाले, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपके ऊपर है। मैंने डाल दिया, अब क्रिएट पे क्लिक करें। तो ये हमारा वर्क स्पेस क्रिएट हो रहा है। थोड़ा सा टाइम लगता है। तो देखिए ये हमारा वर्क स्पेस रेडी हो गया। अब हमें क्लिक करना है ओपन मेन वर्क फ्लो पे, और अब हम सर्च करेंगे यहाँ पे सबसे पहले एक्टिविटी में, सबसे पहले सर्च करेंगे फ्लो चार्ट, फ्लो चार्ट, और हम यहाँ पे इसे ड्रॉप करेंगे। अब हम ये फ्लो चार्ट के अंदर डबल क्लिक करेंगे और सर्च करेंगे सिक्वेंस। अब हम इस सीक्वेंस को ड्रॉप करेंगे स्टार्ट के नीचे, और हम इन दोनों को कनेक्ट कर देंगे। अब हम सीक्वेंस में डबल क्लिक करते हैं और यहाँ पे अब हम सर्च करेंगे रीड रेंज। ये देखिए हमारा रीड रेंज आ गया, इसे हम क्लिक करेंगे और अब हम इसे ड्रॉप करेंगे सीक्वेंस के अंदर। ओके, ये वाला रीड रेंज हमें नहीं लेना, हमें रीड ये सिस्टम फाइल वर्कबुक के अंदर ये जो रीड रेंज है इस रीड रेंज को लेना है। यहाँ आप ध्यान दीजिएगा ताकि गलती ना हो। एंड अब हमें वो एक्सेल फाइल सेलेक्ट करना है जो हमने बना के रखा है। तो इसे हम एक मिनट के लिए मिनिमाइज करेंगे, और ये जो हमने डेटा बना के रखा है इसे हम कॉपी या कट करके अब जो हमारा फोल्डर रेडी हुआ ये ऑटोमेशन वाला, इस पे हम पेस्ट कर देंगे। हम इसे क्लोज करते हैं और हम फिर से यूआई पाथ पे चलते हैं। अब हमें यहाँ पे उसे शो करना है, हमारा फोल्डर सेलेक्ट, फाइल सेलेक्ट करना है, एक्सेल फाइल। अब हमारा सारा डाटा शीट वन पे ये ऐसे ही रहने देंगे, और यहाँ पे हम क्लिक करके इसे इरेज कर देंगे।
ये हमारा यहाँ तक रीड रेंज हो गया, ये क्या कर रहा है हमारे डेटा को रीड कर रहा है। अब हम यहाँ पे क्लिक करके रीड रेंज पे प्रॉपर्टीज पे जाएंगे और यहाँ पे आउटपुट डेटा टेबल जो है ये इसने रीड किया यूआई पाथ ने एक्सेल फाइल को, अब वो अपने यूआई पाथ में एक वेरिएबल पे सेव करेगा, तो हमें अभी से वेरिएबल देना है। तो हम चलिए यहाँ बना लेते हैं वेरिएबल माई डेटा लिखते हैं, कंट्रोल प्लस के प्रेस करेंगे, उसके बाद हम यहाँ लिखेंगे आपको जो देना है आप दे सकते हैं वेरिएबल का नाम माई डेटा और एंटर कर दें। अब कहीं भी क्लिक करें और प्रॉपर्टीज बंद कर दें। अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे सबसे पहले क्योंकि हमें फॉर्म फिल करने के सबसे पहले तो ब्राउजर ओपन करना होगा, तो पहले अब हम ब्राउजर ओपन करते हैं। तो हम सर्च करेंगे ओपन ब्राउजर, ये देखिए ओपन ब्राउजर आ गया, इसे हम क्लिक करके ड्रैग करेंगे और रीड रेंज के नीचे ड्रॉप करेंगे। अब हमें यहाँ क्या करना है, सबसे पहले यहाँ डबल क्लिक करना है और इन्वर्टेड कॉमा में हमने जो गूगल फॉर्म का लिंक बनाया है कॉपी किया है उसे हम यहाँ पे पेस्ट करेंगे। ओके, हमें फिर से कॉपी करना होगा गूगल फॉर्म का लिंक, सेकेंड यहाँ सेंड पे जाते हैं, इसे शॉर्ट एंड करके कॉपी करते हैं हम गूगल फॉर्म का लिंक, अब इसे मिनिमाइज करके और हम यहाँ पे फिर से पेस्ट करेंगे गूगल फॉर्म का लिंक। ये हमारे गूगल फॉर्म का लिंक पेस्ट हो गया। अब हमें क्या करना है, पहले इस ओपन ब्राउजर पे क्लिक करके प्रॉपर्टीज पे जाना, हमें अपना एक ब्राउजर फिक्स करना है कि इस ब्राउजर से ओपन होगा ये गूगल फॉर्म। तो मैं क्रोम यूज करना चाहता हूँ, मैंने क्रोम सेलेक्ट कर लिया, आपके सिस्टम में जो ब्राउजर होगा आप अपना सेलेक्ट कर लेंगे। अब हमें क्या करना है, सर्च करना है, पहले प्रॉपर्टीज हम बंद करते हैं। अब यहाँ पे हम सर्च करेंगे फॉर ईच रो इन डेटा टेबल, ये जो फॉर ईच रो इन डेटा टेबल इसे हम क्लिक करके ड्रॉप करेंगे डू के अंदर। अब यहाँ पे हमने ये करंट रो बाय डिफॉल्ट ले लिया और ये यही रहेगा। अब हमने जो वेरिएबल बनाया है माई डेटा हम यहाँ डालेंगे, माई डेटा हमने इंटर किया। अब बॉडी के अंदर हम स्टार्ट करेंगे इसे दिखाना कि फॉर्म्स कहाँ कहाँ फिल करना है। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे अब एक्टिविटी में सर्च, यहाँ पे हम सर्च करेंगे टाइप इनटू एंड ये आप देख सकते हैं टाइप इनटू आगे, इसे हम क्लिक करके ड्रैग करेंगे और हम इसे बॉडी के अंदर लीव करेंगे। अब सबसे पहले हमें क्या करना होगा, हमारा ये जो गूगल फॉर्म का लिंक है इसे हमें ओपन कर लेना होगा। तो यहाँ पे मैंने पेस्ट किया अपना लिंक और इंटर कर दिया। अब आप देख सकते हैं हमारा फॉर्म ओपन हो गया। अब हमें मेक श्योर करना है कि इस फॉर्म और यूआई पाथ के बीच में कुछ और ना खुला हो। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे इंडिकेट एलिमेंट इनसाइड ब्राउजर पे क्लिक करना है और यहाँ पे पहला हमें इम्प आईडी के अंदर योर आंसर वाला सिलेक्ट कर लेना है। अब हम इसे बताना है योर इम्प आईडी में कौन सा कॉलम जाएगा, तो अब हम इसे लिखेंगे करंट रो ब्रैकेट ओपन डबल इन्वर्टेड कॉमा, यहाँ पर जाएगा इम्प आईडी, अब हम बाहर आएंगे डॉट टू स्ट्रिंग एंटर। अब हम फिर से इसे सर्च करेंगे टाइप इनटू और एक और ड्रॉप करेंगे यहाँ पे, फिर से हम इंडिकेट करेंगे और हमारा दूसरा कॉलम नेम, और हम सेम प्रोसेस फिर से करेंगे करंट रो ब्रैकेट ओपन डबल इन्वर्टेड कॉमा नेम फिर ब्रैकेट के बाहर डॉट टू स्ट्रिंग। हम एक और टाइप इनटू इसके नीचे डालेंगे, हमारा चार कॉलम है हमें टोटल चार डालना है। फिर से इंडिकेट और वोटर आईडी पे हम जाएंगे और यहाँ पे हम फिर से करेंगे करंट रो ब्रैकेट ओपन डबल इन्वर्टेड कॉमा, इसमें हम लिखेंगे वोटर आईडी ब्रैकेट के बाहर आएंगे डॉट टू स्ट्रिंग। फिर सब हम एक बार और डालेंगे टाइप इनटू और यहाँ पे इंडिकेट करेंगे हमारा एज और हम यहाँ लिखेंगे अब करंट रो ब्रैकेट ओपन डबल इन्वर्टेड कॉमा एज डॉट टू स्ट्रिंग। तो यहाँ तक हमने कर दिया कि क्या क्या फिल होगा। अब हमें इसे शो करना है कि ये सबमिट बटन पे क्लिक हो ताकि एक सबमिट होगा तभी तो दूसरा वाला दूसरा फॉर्म फिर से फिल होगा। तो अब हम यहाँ पे आएंगे, अब हमें यहाँ सर्च करना है क्लिक
और ये जो क्लिक है माउस क्लिक, इसे सेलेक्ट करेंगे और हम या इसके नीचे ड्रॉप करेंगे। अब यहाँ पे हमें इंडिकेट करना है और हम अब इंडिकेट करेंगे इसे सबमिट बटन। अब हमें क्या करना है, फिर से इस फॉर्म में आना है और हमें कुछ भी टाइप करके इसे पहले फिल कर लेना है। एंड हमें अब एक फॉर्म फिल होगा फिर दूसरा खुलना चाहिए, तो सबमिट अनदर रिस्पॉन्स को सिलेक्ट करना होगा, फिर से अब हमें इसे सबमिट वाला इंडिकेट। तो हमें एक और क्लिक यहाँ पर ड्रॉप करेंगे और फिर से हम इसे इंडिकेट करेंगे सबमिट अनदर रिस्पॉन्स को। तो इस तरीके से ये हमारा पूरा ऑटोमेशन प्रोसेस कंप्लीट हो गया। अब चलिए हम डिबग करके देखते हैं। तो ये हमारा डिबग स्टार्ट हो गया, आप देख सकते हैं एग्जीक्यूशन स्टार्टेड यहाँ पे शो कर रहा है। अब ये आप देख सकते हैं हमारा ब्राउजर ओपन हो गया और ये चीज आप देख सकते हैं, ये ऑटोमेटिकली आईडी नेम वोटर आईडी एज सबमिट हुआ, फिल हुआ, सबमिट हुआ, फिर अनदर रिस्पॉन्स ओपन हो गया। आप देख सकते हैं सारी चीजें अपने आप ऑटोमेटिकली हो रही है, हमारा जो उतना भी डेटा होगा उतना ये ऑटोमेटिकली फिल होता चला जाएगा। तो आप देख सकते हैं कितना सिंपल है, हमने बस कुछ स्टेप्स किए और ये इतना, ये तो मैंने छोटा डेटा शो किया, आपके पास एक बहुत बड़ा डेटा होगा तो कितना सिंपल हो जाएगा इसे करना इस तरीके से ऑटोमेशन से। तो यूआई पाथ हमें इसी चीज की देता है कि हम किसी भी चीज को ऑटोमेट करके अपने काम को फास्टली कंप्लीट कर सके। तो ये आप देख सकते हैं हमारा पूरा एग्जीक्यूशन सक्सेसफुली कंप्लीट हो गया, हमारे पास 39 सेकंड में हमारा सारा प्रोसेस कंप्लीट हो गया। तो अब मैं आपको रिस्पॉन्सेस भी दिखा देता हूं, इसे क्लोज करते हैं और यहाँ पर रिफ्रेश, ये आप देख सकते हैं हमारे पास रिस्पॉन्सेज आ गए। पहला एक जो मैंने ऐसे ही फिल किया था ताकि वो अनदर बटन वाला मैं करूं, उसके बाद ये आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 रिस्पॉन्सेज आ चुके हैं। तो इस तरीके से हम फॉर्म फिलिंग को यूआई पाथ के ऑटोमेट कर सकते हैं। तो आपने देखा कितना सिंपल सा है, जस्ट हमें मेरे वीडियो को अच्छे से फॉलो करें, कहीं स्किप ना करें, कुछ भी अगर आपने मिस किया तो आपसे गलती हो सकती है। सो अच्छे से वीडियो को फॉलो करें, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, मेरे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और जिस भी टॉपिक से रिलेटेड आप चाहते हैं मैं वीडियो बनाऊँ उसे मेरे कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करें। थैंक यू।